रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसीं ते मैं हां सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजर हां पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। सब तो पहला गलबात करांगे कि कप्तान दा राह रोकिया सिद्धू ने, कप्तान दिल्ली जा रहे ने ते दिल्ली जांदे दा राह रोकिया सिद्धू ने, किस तरीके दे नाल रोकिया वह भी तुहानू दसांगे। ते नाल ही नाल गलबात करांगे कि अज जिहड़ी कप्तान की मीटिंग होने जा रही है सोनिया गांधी के नाल, उहदे विच की कुछ गलबात होएगी, कि कल जिहड़ा सिद्धू ने धमाका किया वड्डा पंजाब की सियासत के अंदर उहदे बारे भी गलबात होएगी, जे होएगी तां कि उहदे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद ही घिरणगे जां फिर कोई बहाना लभ के नवजोत सिंह सिद्धू की जिहड़ी पैंठ डाउन करन की कोशिश करनगे हाईकमान के अगे, तां हो पाएगा अपने इरादे दे विच कामयाब होणगे जां नहीं, कप्तान इस ते भी गलबात करांगे। उस तो बाद नाल ही गलबात करांगे कि सुखबीर सिंह बादल दे लई एक बार फिर तो मुश्किलां वधदियां दिखाई दे रहियां ने ते अकाली दल दे अंदर वड्डी बगावत उठदी दिखाई दे रही है। मेरे नाल इन्हां खबरां ते विचार चर्चा करने लई राजनीतिक माहर दे तौर ते डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जी जुड़े हुए ने। सब तो पहला स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला शुरुआत करिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राह रोकिया है कप्तान दा दिल्ली जाते, किवें राह रोकिया आपां अपने दर्शकां नूं समझाईए। सुखविंदर जी देखो पिछले लंबे समय तो आपां नूं पता है कि नवजोत और सिद्धू और कप्तान साहब कैप्टन साहब दी जिहड़ा आपसी खाना जंगी है वो लगातार सारयां दे सामने है और उहदे बहुत सारे नतीजे भी निकल चुके ने और वड्डा नतीजा तां इही निकलिया कि कैप्टन साहब जिहड़ी गल करदे सीगे कि मेरे कोल सत्ता है, मेरे को ताकत है, मैं मुख्यमंत्री हाँ, मैं जिहड़ा हैगा मेरे को होर बड़ियां जिहड़ियां पावर ने, उस नूं बहुत वड्डा खोरा लग्या पिछले दिनों दे विच और उहदे विचों नवजोत सिंह सिद्धू बहुत एक वड्डे हीरो दे तौर ते कांग्रेस दे विच उभर के सामने आए ने और आपां नूं वी पता है कि लगातार इहदा कारण इही है कि जिहड़ा उहनां कोल सच है, जिहड़ी सिद्धू साहब की जिहड़ी ताकत है वह है कि सच दे उत्ते पहरा देना और सच दे उत्ते पहरा देने का मतलब यही है कि लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ और कैप्टन साहब के खिलाफ वह आवाज बुलंद करते रहे हैं और उस आवाज बुलंद करन दा उन्हां नूं सिला भी जिहड़ा है बहुत वड्डा भुगतना पिया। 4.5 साल जो आप उन्हां दा देखते हैं पीरियड जदों तो उन्होंने आवाज चुकनी शुरू की है उदों तो लैके हुण तक तुसीं देखोगे कि लगातार कोई ना कोई उन्होंने जिहड़ा है सिला भुगतना पे और खास तौर पर पिछले 2 साल तो उन्होंने अपनी जिहड़ी हैगी कुर्सी सी उन्हां दी कैबिनेट मंत्री दी वह भी जिहड़ी हैगी गवाउणी पई सी और लगभग 2 साल वह घरे बैठे रहे, किसी ने नहीं पुछया। सो उस तो बाद जदों वह हटे नहीं, फिर भी नहीं हटे तो अखीर में जिवें आपां पहलां भी कहिंदे हुंदे सीगे कि सत्यामेव जयते कि अखीर में सच की जित होएगी और सच की जित हुई और नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं पंजाब दी कांग्रेस दा प्रधान बनाया गया और उस तो बाद लगातार आपां देख रहे हां कि उन्हां दीआं चर्चा ने और नवजोत सिंह सिद्धू एक तो बाद एक मुद्दा जिहड़ा हैगा उठा रहे ने, अपने वलंटीयर नूं मिल रहे ने, अपने MLA साहबान नूं मिल रहे ने, मिनिस्टरां तक नूं मिल रहे ने और जिहड़ा वड्डा गल इह होई है कि एक पासे कैप्टन साहब यह कह रहे हैं कि मैं जिहड़ा हैगा विस्तार करांगा मंत्रीमंडल दे विच चेंज करांगा और दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू वड्डे सवाल उन्होंने चुक रहे हैं कि तुहानू जिहड़ा हैगा लोकां ने जे तुहाडे नूं सत्ता दित्ती सी, जे तुहानू ताकत बख्शी सी तां तुसीं जिहड़े वड्डे वड्डे वादे करके आए सी, खास तौर पर 3-4 वादे वह बार बार गड़ा रहे हैं। एक है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के जो पत्रे फाड़े गए उन्हां दा कदों जिहड़ा हैगा निपटारा होएगा, दुध दा दुध पानी दा पानी होएगा, लगातार उन्होंने इस मुद्दे नूं उठाया। दूजा है नशिया दा मुद्दा, खास तौर पर जिवें आपां सारे जाणदे हां कि कैप्टन साहब ने श्री गुटका साहब हाथ च फड़ के सहु खाधी सी कि मैं 4 हफ्तियां दे विच नशे दा लक तोड़ दांगा और उन्होंने यह भी कहा सीगा कि जिहड़े वड्डे मगरमच्छ ने उन्हां नूं मैं जेलां च देवांगा और कोई जिहड़ा हैगा जदों मेरी सत्ता एक बारी मैनूं तुसीं वोटां पा दो, एक बारी जदों सत्ता आउण दिओ फिर उहदा तुसीं देखणा की हश होएगा। और खास तौर पर वड्डे उन्होंने नाम भी लाए सी उन्हां दिनां दे विच, तुहानूं भी याद होएगा और उस तो बाद जदों सत्ता आउंदी है 2017 दे विच तां इहदे विच इह नहीं कि कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक
टास्क फोर्स भी बनाई, स्पैशल टास्क फोर्स बनाई 18 दे विच, और उस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट जिहड़ी सीगी ओह खास तौर ते जिहड़ी हैगी अदालत दे विच जिहड़ी जांदी है, और अदालत सरकार नूं इह कहिंदी है कि भाई तुहाडे कोल असीं रिपोर्ट तां तुसीं सौंपती सानूं पर तुसीं इहदे उत्ते कार्रवाई तां सरकार ने करनी है। और उन्होंने कहा कि सरकार इस दे उत्ते जिहड़ी भी रिपोर्ट जिहड़े भी उन्होंने गल्लां कढ़ियां ने नशे दे बारे नशे तस्करां दे बारे उन्होंने उत्ते जिहड़ी कार्रवाई होएगी वह तां सरकार ने करनी होएगी, अदालत दा इहदे विच कोई लैण देण नहीं है। सो इस करके वह जिहड़ी हैगी आ 18 तों लैके अज तक आपां देख रहे हां कि वह उहदे उत्ते कोई भी कार्रवाई नहीं सी होई। भाई साहब ओवे गल सिद्धू साहब कहिंदे कि उहदे विच सिद्धू सिंह सिद्धू ने कहा कि कैप्टन साहब होणा दी सरकार ने हाले तक वह रिपोर्ट नूं सीलबंद नूं खोलिया तक नहीं। बिल्कुल तुसी देखोगे इथों नीयत जिवें आपां गल करदे आ कि कैप्टन साहब दी नीयत और नीति दा पता लगदा है कि 2.5 सालां दे विच जदों उन्हूं उत्ते धूड़ फक रही है और विरोधी धिरां वी इस तों पहलां वी तुहानूं याद होएगा चाहे उह आम आदमी पार्टी होवे चाहे अकाली दल होवे चाहे होर उह पार्टियां वी इस गल नूं जिहड़ी हैगी आ निंददियां रहियां ने कि कैप्टन साहब क्यों कार्रवाई इहदे उत्ते नहीं कर रहे। सो उही गल जिहड़ी हैगी आ नवजोत सिंह सिद्धू ने कल ट्वीट करके साढ़े सारिआं दे सामणे लिआंदी है कि जेकर इहदे उत्ते कार्रवाई नहीं हुंदी तां उहनां ने इक गल जिहड़ी वड्डी कही है कि जिहड़ा आउण वाला विधानसभा दा सैशन होएगा उहदे विच असीं इस चीज़ दे उत्ते मैं मता पेश करांगा और कैप्टन साहब नूं इहदे उत्ते कार्रवाई हर हालत दे विच करनी पएगी और जिहड़े भी इहदे विच नाम दर्ज ने दोषियां दे नाम दर्ज ने वड्डे मगरमच्छां दे नाम दर्ज ने उहनां नूं सजावां जिहड़ियां ने दवा के हटांगा और उन्होंने इशारा भी किया कि किहड़े-किहड़े नाम इहदे विच दर्ज ने। सो उम्मीद की जानी बनती है इस वेले नवजोत सिंह सिद्धू होरां तों कि आने वाली जिहड़ियां जिहड़ा हैगा सैशन होएगा विधानसभा का उहदे विच उह मता पास करन दी कोशिश करनगे और जेकर उह मता लिआंदा जांदा तां लाज़मी तौर ते कैप्टन साहब नूं जवाब देना हैगा औखा हो सकदा है आने वाले दिनों दे विच। सो इस तरह ठीक है कि जेकर तुहाडे कोल रिपोर्ट आ गई है तां रिपोर्ट नूं खोल के दसो लोकां नूं कि रिपोर्ट दे विच है की है। जे विक्रम सिंह मजीठिया जां किसे होर जिहड़े लोकां दा नाम लै रहे नवजोत सिंह सिद्धू जे उहनां दा नाम नहीं है उस रिपोर्ट दे विच तां ठीक है कैप्टन अमरिंदर सिंह उहनूं रिपोर्ट नूं खोल के कह देण वी देखो भाई ठीक है नवजोत गलत कह रहा इहदे विच किसे दा नाम ही है नहीं ते जे फिर हैगा तां फिर लोकां नूं जवाब दिओ कि तुसीं कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे हाले तक। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮਤਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ नवजोत सिंह सिद्धू ने और चैलेंज करना बनता भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिद्धू साहब की जिहड़ी ताकत है वो यही है कि लगातार उन्होंने चाहे ट्वीट होन चाहे उन्होंने मुलाकात होन चाहे उन्होंने बयान होन लगातार कोशिश करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के दुध का दुध पानी का पानी किया जाए हर मसले के चाहे वह 18 नुकाती प्रोग्राम का मसला हो और उन्होंने यह भी कहा कि 18 नुकाती प्रोग्राम जिहड़ा हाई कमांड ने इन्हों दिता होया उहदे विच इह जिहड़ी रिपोर्ट है या जिहड़ा नशिआं दा मसला है वह बहुत गंभीर मसला है और बहुत वड्डा मसला है। इन्हां नूं तां इस तों हल किते बिना असीं अगे नहीं वध सकदे। जेकर कांग्रेस ने 22 दे विच लोकां तों वोटां मंगणियां ने तां लाजमी तौर ते उन्हां नूं इह मुद्दे जिहड़े ने बुनियादी मुद्दे खास तौर ते चाहे वह बरगाड़ी कांड का मुद्दा हो चाहे नशिया का मुद्दा हो चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे होर जो गंभीर मुद्दे ने इस वे चाहे मैं लगता है कि जे इस वे माफिया का राज चल रहा है पिछले दिनों के काफ़ी चर्चा भी रही है उस माफिए की और जो गुंडागर्दी का जो राज इतने पैदा हो चुके है उसके उत्ते भी जोड़ा है लोग इस वे सवाल पूछना चाहते हैं कि सरकार है कितने है सरकार की जो जिम्मेवारी है जो पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है इस वे जो शरेआम कतल हो रहे हैं वो बारे भी लोग मैं लगता है कि 22 दे विच इन्हां नूं पुछणगे। सो कहण दा मतलब यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं जिहड़े बार बार वो वड्डे सवाल चुक रहे हैं कैप्टन साहब के उत्ते उन्हां नूं जवाब देना बनता है और खास तौर पर हुण जिहड़ी ओह आपां नूं पता है एक तरीके दा यही राह रोकिया हो सकता है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अज सोनिया गांधी दे नाल मुलाकात कर सकते हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ 93% ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਲੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਮ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਔਰ 19 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਟਰਨ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਵੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
18 नुकाती प्रोग्राम हल करना पड़ेगा और इस 18 नुकाती प्रोग्राम दे विच जिहड़ा मुख मुद्दा है वह नशे का मुद्दा है। तुसी दसो भी किहड़े वड्डे मगरमच्छ ने वह जिहड़े ने जेलां तुसी कह रहे सी मैं दे दांगा वह कदों दित्ते तुसी इह जिहड़ी 18 की रिपोर्ट आई पई है और अदालत दे विच पई है इहनूं धूड़ जिहड़ी हैगी है इहदे उत्ते जम चुकी है तुसी इहनूं क्यों नहीं खोल रहे क्यों नहीं इहनूं जनतक कर रहे क्यों नहीं लोकां नूं कह दस रहे कि कसूर किहदा है किहड़े किहड़े जिन्हां नाल साडे छोट मावां दे पुत मरे ने नौजवान मरे ने इत्थे इन्ने नशे कर करके उह उहनां दा हिसाब कौन देगा। सो मेरा कहने का मतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक किस्म का एक बड़ा प्रैशर कैप्टन साहब के उत्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इहदे नाल मैनूं लगता है कि सानू यह भी जोड़ के देखने की लोड़ है कि जिहड़ी इस वेले हाई कमांड है कांग्रेस की वह भी नवजोत सिंह सिद्धू के नाल खड़ी है वो नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ी है। इसे लिए तुसीं देखोगे कि लगातार अपनी अपना प्रधान होंदे हुए अपनी पार्टी का कांग्रेस का प्रधान होंदे हुए मुख्यमंत्री के उत्ते इदां दे सवाल चुकने ये कोई एक सधारण गल नहीं है एक वड्डी गल है। इहदा मतलब यही है कि हाई कमांड का जिहड़ा हैगा थापड़ा उन्होंने मिलिया होया और हाई कमांड भी यह चाहती है कि तुसीं इहनां दी नकेल जिहड़ी हैगी कस के रखो और जिन्नी देर तुसीं कैप्टन साहब की नकेल नहीं कस के रखोगे इहनां तों काम नहीं कराओगे इहनां दी कार्यशैली नहीं चेंज हुंदी इहनां दा जो इहनां दा ढिलम ढिली जिहड़ी नीति है उन्हों नहीं बदलते तो लाजमी तौर पर 22 दे विच जिहड़ियां चोणां दा टारगेट है नवजोत सिंह सिद्धू जां हाई कमांड दा जां कांग्रेस दा कि असी दोबारा सत्ता चाहुंदे उन्नी देर तुसी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते जिस किस्म की ढिलम ढिली शैली इस वेले कैप्टन साहब की चली है पिछले दिनों दे विच उस शैली नूं लैके तुसी पंजाब च नहीं दोबारा जा सकते तुहानूं उह शैली बदलनी पएगी जां फिर जिहड़े ने तुहानूं चेहरे बदलने पैणगे दोनों च तुहानूं इक चीज़ होनी होएगी और नवजोत सिंह सिद्धू इसे गल के उत्ते आउण दी उन्हां नूं लिआउण दी कोशिश कर रहे हैं जां तां शैली बदलो अपनी स्टाइल बदलो काम करन दा जां फिर चेहरे बदलो दोनों चो एक होएगा आने वाले दिनों के मैनूं लगता है कि एक किस्म का ग्राउंड तैयार करने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू वालों यह हो रही है। जी सुखविंदर जी जेकर आप अगली खबर की गलबात करिए अकाली दल के नाल जुड़ी हुई खबर है अकाली दल से सुखबीर सिंह बादल दी एक बार फिर तो जिहड़ियां मुश्किलां वधदियां दिखाई दे रहियां ने बीते दिन जिहड़ियां उन्होंने वल्लों टिकटां अनाउंस की गईयां उहदे विच भी ते उस तों पहलां भी टिकटां दी वंड नूं लै के अकाली दल दे विच मुड़ तों बगावत शुरू हो गई है। किवें देखदे हो कि अकाली दल तां पहलां ही हाशिए ते है ते हुण टिकटां दी वंड नूं लै के उठियां बगावतां अकाली दल नूं किते फिर सत्ता दी दौड़ चों बाहर तां नहीं कर देणगीआं। सुखविंदर जी देखो अकाली दल दी जित तक गल है अकाली दल हुण इस वेले खास तौर पर किसान अंदोलन तो बाद या इतों भी ज थोड़ा जिहा होर पिछे जाइए कि 2015 तो बाद जदों बरगाड़ी कांड वाला मसला उभरदा है तो उस तो बाद लगातार बैकफुट ते जा रहा लगातार पिछे जा रहा लगातार उहदी जिहड़ी जमीन सीगी उह खिसकदी जा रही है। पहला तो आप देखिए कि पंथक धिर ने जिहड़ियां पंथ के नाँ ते लोग वोट पाउंदे सी इहनां नूं वो एक पीढ़ी सी बहुत वड्डी पीढ़ी सी और लगातार पांच वारी तुसी देखिया होएगा कि वड्डे बादल साहब नूं उस पीढ़ी के नाँ के उत्ते पंथ के नाँ के उत्ते उन्हां नूं मुख्यमंत्री बनाया सीगा और जदों उस पंथक जिहड़ी वोट सी वह खिसकी तो अगली वोट सी इन्हां दी किसानां दी कि पिंडां दे विच जिहड़ी किसानी वोट है उन्हां नूं लगदा सीगा कि इह किसानी दी वोट साडे वल आएगी। सो उहदा नतीजा की निकलिया इत्थों एक वड्डा अंदोलन पंजाब दे विचों एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लैवल का जिहड़ा सीगा अंदोलन शुरू होया और उस अंदोलन ने यह सारे एक्सपोज करते खास तौर पर अकाली दल क्योंकि उस वेले बीजेपी के नाल सत्ता सीगा और सेंटर दे विच बीबी हरसिमरत बादल जिहड़े ने मिनिस्टर सीगे और जदों ये खास तौर पर एक कानून बनाए गए काले कानून लिआंदे गए उदों बकायदा तौर पर उन्हां कोल मिनिस्ट्री सीगी और लगातार 2-2.5 महीने अकाली दल यह भी गल कहता रहा चाहे वह वड्डे बादल साहब होन चाहे छोटे बादल साहब होन चाहे बीबी हरसिमरत बादल होन उन्होंने कहा कि यह कानून तो बहुत ही लाहेवंद ने किसानों के लिए यह जान बुझ के इदा दिया जड़िया ने हरकत कर रहे हैं इदा का संघर्ष कर रहे हैं आपां नूं सारयां नूं पता है। सो उत्थों भी उन्हां दियां पिंडां दे विचों जिहड़ी उह वोट बैंक सीगी किसानां दी उह खिसकणी शुरू होई बाद दे विच इन्हां नूं याद आया कि साडा तां हुण सारा कुछ ही जा रहा है सो इस करके उन्होंने अपना 26 साल का जिहड़ा गठजोड़ सीगा बीजेपी नाल उह मजबूर होए तोड़न दे विच हालांकि दिलों नहीं सी चाहुंदे कि इह टुटे क्योंकि सत्ता केंद्र दे विच बीजेपी दी सीगी पर उस मजबूरी दे करके इन्हां ने उह जिहड़ा हैगा कौड़ा कुट पीता। सो उस तों बाद की होया
कि लगातार जिहड़ी हैगी है इन्हां दी जमीन होर खिसकदी गई और पिंडां दे विच खास तौर पर अकाली दल का विरोध हुंदा गया, पर उस विरोध नूं मद्देनजर रखते हुए उस विरोध नूं नज़रअंदाज करते हुए अकाली दल ने अपनी जिहड़ी संघर्ष सीगा दोबारा वापस आउण दा उहनूं जारी रखिया और बसपा के नाल समझौता किया। इन्हों लग्या कि शायद असी बसपा के सहारे दोबारा जिहड़ा हैगा लोगों की लाइमलाइट के आ जाएंगे, लोगों दी जिहड़ियां वोटां लैण लई असी कामयाब हो जाएंगे, पर वह गल बनती किते ना किते दिखाई ना दित्ती। उहदे नाल की होया कि इस अकाली दल दे विच काफ़ी जिहड़ी अंदर खाते जिहड़ी सीगी घबराहट अकाली दल दे नेतावां दे विच पैदा हुई और उहदे विच ज़्यादा जदों उदों भी तुहानूं याद होएगा कि जदों बसपा के नाल समझौता किया सीगा उदों भी टिकटां नूं लैके काफ़ी प्रॉब्लम्स जिहड़ियां सीगियां आईयां सीगियां और 20 टिकटां जदों उन्हां ने दित्तियां तां लोदों भी लग रहा सीगा कि शायद ये जिथे अकाली दल का दबदबा है उत्थे भी जिहड़ी हैगी है बसपा नूं चो जिहड़े हैगे चोण लड़ा रहे सीगे। सो कहण दा मतलब है कि हुण जिहड़ियां ताज़ियां 12 इन्हां ने हलका इंचार्ज लाए ने तां लाजमी तौर पर इहदा भी इसे लई होणा है क्योंकि इस वेले जिहड़ी अकाली दल की जिहड़ी जमीन है ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਕੜ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ पार्टी के उत्तों, तो इदा की अनुशासनहीनता हर पार्टी के आती है और उही गल तुसी अकाली दल के वेख सकते हो कि अनुशासनहीनता जिहड़ी हैगी काफ़ी पाई जा रही है। बेशक प्रधान साहब कंट्रोल जरूर कर रहे हैं पर कितने ना कितने अनुशासनहीनता तुसी देख सकते हो और उही कारण है कि जदों भी कोई टिकटां की जिहड़ी हैगी इस तरह की गल हुंदी है और इदां दा जिहड़ा अंदर खाते विच्चों जिहड़ा विरोध आना यह कुदरती है और इसे दा वड्डा कारण यही है कि इस वेले अकाली दल की जिहड़ी जमीन है किसी वेले चाहे वह पंथक खेतरां दे विच सीगी चाहे किसानां दे विच सीगी पिंडां दे विच सीगी वह काफ़ी खिसकदी नज़र आ रही है। जी सुखविंदर जी, डॉक्टर साहब तुसीं साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच जुड़े, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आए सन डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जी, जिन्हां दे वल्लों इन्हां अहम मुद्दयां दे उपर साडे नाल गलबात की गई है, अपने कीमती विचार इन्हां दे वल्लों साडे नाल ते तुहाडे नाल सांझे कीते गए ने। उम्मीद करदे हां कि डॉक्टर साहब दे विचार तो जरूर पसंद आए होंगे। दोबारा फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम के, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।